हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास सिक्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है आज आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस। एडिशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, अगर ए और बी कोई भी दो होल नंबर हैं, देन ए प्लस बी इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, तो उन दोनों को सम करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। ओके, अगर कोई दो होल नंबर हमारे पास है तो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस टेक 5 एंड 7। हमने 5 और 7 दो होल नंबर लिए, दोनों को ऐड किया तो एक नंबर आया 12। 12 इज ऑल्सो अ होल नंबर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, अगर ए और बी कोई भी दो होल नंबर हैं तो ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो कहने का मतलब ये है कि उन दोनों नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर सेम आता है, सेम होल नंबर आता है। इस करके देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ पेयर ऑफ होल नंबर्स। हमने यहाँ पे दो होल नंबर लिए, 7 एंड 9। ठीक है, 7 प्लस 9 इज इक्वल टू द 9 प्लस 7। ओके, दोनों का आंसर 16 आए, मीन द लेफ्ट हैंड साइड इज जस्ट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ओके, तो इस एग्जाम्पल से प्रूफ होता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होती है एडिशन में। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर, अगर हमारे पास कोई भी एक होल नंबर है और उसमें हम जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, या जीरो में किसी होल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर वो होल नंबर आता है। एग्जांपल, 235 और 0। 235 में जीरो को ऐड किया 235, और जीरो में 235 ऐड किया तब भी 235। मीन्स दैट अगर होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो आंसर वो इटसेल्फ आता है, वो खुद ही आता है। दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन नंबर होने चाहिए फॉर एनी होल नंबर ए बी सी। अगर हमारे पास तीन होल नंबर हैं और तीनों होल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड करते हैं तो बोथ साइड आर इक्वल, तो दोनों साइड इक्वल आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आप देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमने लेट अस टेक द 3 होल नंबर्स। हम तीन होल नंबर ले लिए, 9, 12, 15। 9 प्लस 12 प्लस 15 है 9 प्लस 12 प्लस 15। तीनों नंबर्स को हमने अलग अलग ऑर्डर में ऐड किया। ऐड करने का 9 प्लस 12 21 प्लस 15, और राइट साइड में 99 प्लस 27, और टोटल फाइनली आंसर आपका 36 इक्वल टू 36 आ गया। मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज जस्ट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इस एग्जांपल से ये प्रूफ होता है कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आता है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कल पढ़ लेते हैं। अब मैजिक स्क्वायर इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स। एक मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसमें अलग अलग नंबर से एक अरेंज करना पड़ा, अलग अलग नंबर में फिल करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करने पड़ते हैं नंबर को, सच दैट द सम ऑफ द नंबर इन एवरी हॉरिजेंटल लाइन, सारी हॉरिजेंटल लाइन, सारी वर्टिकल लाइन और सारे डायगोनल्स का सम, जो टोटल है वो सम इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर हम एक दे देते हैं आपको, वन मैजिक स्क्वायर इज शोन हेयर। यहाँ पे एक आपको मैजिक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उसमें सारे नंबर्स आपको अरेंज करके वो दिख रहे हैं ऑलरेडी। अब आप इनके ना कॉलम, सबसे पहले डायगोनल वाइज हमने टोटल किया, डायगोनल वाइज टोटल किया, तो डायगोनल देखो एक तरफ होता है 963 और एक तरफ होता है 765, दोनों का टोटल किया तो 18 आ गया। सेम एज में हमने रो वाइज टोटल किया, जब रो वाइज टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या है, 9 प्लस 2 प्लस 7 सबसे ऊपर वाली रो, फिर मिडिल वाली 4 प्लस 6 प्लस 8 और सबसे नीचे वाली 5 प्लस 10 प्लस 3, टोटल 18। अब लेंगे कॉलम वाइज तो सम करेंगे, तो पहला कॉलम है 9 प्लस 4 प्लस 5, दूसरा है 2 प्लस 6 प्लस 10 और तीसरा है 7 प्लस 8 प्लस 3। तो आपने टोटल चेक किया, टोटल आ रहा 18। तो इस तरीके से आपको उस स्क्वायर में नंबर्स को अरेंज करना है। ध्यान रखिएगा, नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके हर एक वर्टिकल लाइन, चाहे आप वर्टिकल लाइन बोलो, चाहे आप उनको कॉलम बोलो, चाहे हॉरिजेंटल लाइन एंड डायगोनल्स का सम इक्वल आएगा। चारों तरफ से अगर आप सब निकालेंगे उन नंबर्स का तो वो टोटल सम इक्वल आएगा। दिस इज़ द मैजिक स्क्वायर, और इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे आगे एक्सरसाइजेस में, क्वेश्चंस में। ओके, तो ये आज हमने मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर कराई हैं और मैजिक स्क्वायर का मेथड बताया है। होमवर्क है आपका, राइट एंड लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड इन योर नोटबुक। आपको जो भी मेथड, जो भी प्रॉपर्टीज़ कराई हैं उनको आपको नोट कर लेना है। ओके, थैंक यू।